हेलो एवरीवन आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपके साथ फाइव प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस कर लिए थे बिजनेस एंटिटी मनी मेजरमेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ड्यूअल एक्सपेक्ट और आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी रेवेन्यू रेकोगनेशन कॉन्सेप्ट अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट so, टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट सो रेवेन्यू रेकोगनेशन रेवेन्यू रेकोगनेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको फॉलो करते हुए हमने कैश ट्रांजेक्शन तभी अपनी बुक्स में एज अ कैश ट्रांजेक्शन शो करेंगे अगर एक्चुअल में हमें कैश मिला है अगर हमने क्रेडिट बेसिस पर ट्रांजेक्शन की है तो उसको एज अ क्रेडिट सेल ही हम शो करेंगे सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवन्यू इज़ रिकॉग्नाइज्ड ओनली वैन अ सेल इज़ मेड नो सेल कैन बी सेट टू हैव टेकन प्लेस अनलेस मनी हैज़ बीन रियलाइज्ड कैश हैज़ बीन रिसिव्ड और लीगल ऑब्लिगेशन टू पे हैज़ बीन एज्यूम्ड बाई दी कस्टमर आपके पास एक कस्टमर आया उसने कहा कि मैं ये जो प्रोडक्ट है इसको खरीदना चाहता हूँ ठीक है और वो अपने घर चला गया और आप उसी टाइम अपनी बुक्स में अगर रिकॉर्ड कर लो कि मैंने ये गुड्स जो है सेल कर दी क्या वो चीज ठीक है बिल्कुल नहीं ठीक क्योंकि ना तो वो कस्टमर आपको पैसे देकर गया है ना ही उसने कोई इस तरह से लीगल प्रॉमिस किया है आपके साथ ना ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो ना तो आपको कैश रिसीव हुआ ना ही आपने लीगल ऑप्लीगेशन बनी है ठीक है तो आप इसको एज अ सेल अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे पर अगर कस्टमर आपके पास आकर कोई लीगल कांटेक्ट में एंटर हो जाता है और कहता है कि इस डेट पर मैं आपसे आकर ये प्रोडक्ट खरीद लूंगा तब उसको आप एज अ सेल अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं इट प्रीवेंट्स बिजनेस फॉर्म फ्रॉम इन्फ्लेटिंग देअर प्रॉफिट इस तरह से हम इनफ्लेटेड प्रॉफिट जो है वो शो करने से बच सकते हैं इन्फ्लेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर तो जब तक आपकी सेल ही नहीं हुई उसको आप अपनी बुक्स में शो नहीं कर सकते नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज द इक्रेअल कॉन्सेप्ट पहली बात आपने याद रखनी है जितनी भी हम अकाउंटिंग बुक्स बनाते हैं वो एक्रेअल बेस पर ही बनाते हैं तो एक का मतलब है कि जिस साल भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेना है फिर चाहे आपको एक्चुअल में पेमेंट रिसीव हुई है चाहे नहीं हुई जैसे कि अगर मैंने क्रेडिट के ऊपर सेल की है 2019-20 में तो 2019-20 की जब मैं बुक्स प्रिपेयर करूँगी तो उसमें इसको मैं रिकॉर्ड कर लूँगी ठीक है एज अ क्रेडिट सेल क्योंकि मैंने क्रेडिट के ऊपर सेल की है अगर कैश के ऊपर की है तो कैश के ऊपर कर लो ठीक है अब इसी कॉन्सेप्ट के चलते हुए हम अपने बुक्स में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन सब की एंट्रीज को हम पास करते हैं ठीक है ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं uh, हम रिकॉर्ड करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज अकाउंटिंग पीरियड सो द यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड प्रियोडिकल रिपोर्टिंग जितने भी लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं वो प्रॉपर रिपोर्टिंग चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं और ये पीरियड जो है मोस्टली ट्वेल्व मंथ्स का होता है ठीक है फर्स्ट अप्रैल से शुरू होकर अगले साल के थर्टी मार्च तक जाएगा और 12 मंथ से कम का भी हो सकता है आप इंटरम रिपोर्ट्स बनाकर भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं बट यूजुअली इट विल बी ऑफ 12 मंथ्स नेक्स्ट है हमारे पास मैचिंग सो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली द रेवन्यू ऑफ अ गिवन पीरियड शुड बी मैच विद एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट शुड बी मेड फॉर ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस एक इनकम प्री पेड एक्सपेंसिस एंड अर्न अन अर्नड इनकम वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट एट दी एंड ऑफ द पीरियड तो एक साल के अंदर जितनी भी आपने एक्सपेंसिस किए हैं और उस एक्सपेंसिस से होने वाली जितनी भी रेवन्यूज हैं आपने हर एक को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना है इसी कॉन्सेप्ट के चलते हुए आप आउटस्टैंडिंग और एडवांस प्रीपेड आउटस्टैंडिंग दोनों को ही अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे अब यहाँ तक हमने पढ़े हैं प्रिंसिपल्स अब हम बात करेंगे कन्वेंशन कन्वेंशंस जो है वो हमारे क्या है ये डिनोट करते हैं कस्टम को ट्रेडिशन को ठीक है कोई भी एक बॉडी काउंटिंग बॉडी ले लीजिए वो कोई भी कन्वेंशन जो है उसको स्टेब्लिश कर सकती है कि आपने ये जो बुक्स बनानी हैं वो बुक्स बनाते हुए इन सब चीजों को हमने फॉलो करना है सो so, कन्वेंशन में सबसे पहले हमारे पास कन्वेंशन आ जाता है दैट इज कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलर आप एक मेथड एडॉप्ट करते हैं डेप्रिसिएशन uh, चार्ज करने के लिए डेप्रिसिएशन के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं वी हैव द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड तो एक साल अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड एडॉप्ट किया है तो आने वाले सालों में भी स्ट्रेट लाइन ही करो ठीक है आप ये नहीं कि हर साल मेथड चेंज कर रहे हैं सेम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के टाइम पर प्रोविजन uh, क्रिएट करते हुए आप एक मेथड को जब फॉलो करते हैं तो आने वाले टाइम पर आपको वही मेथड जो है वो फॉलो करना चाहिए ठीक है अगर इन केस आपको लगता है इट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मेथड ऑफ तो आपने इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो फुट नोट में प्रोवाइड कर देनी है जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना तो बैलेंस शीट के नीचे हम फुट नोट्स बनाते हैं तो वहां पर आपने इसकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देना है कि इस साल हमने ये मैथड चेंज किया है इस रीजन की वजह से। सो so नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेटिज्म सो so इसके इस के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे कोई भी ट्रांजेक्शन जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपने देखना है कि उसकी मिनिमम uh, प्राइस क्या है ठीक है जैसे क्लोजिंग स्टॉक को जब हम वैल्यूएट करते हैं तो वैल्यूएशन के टाइम पर हम देखते हैं कि इसकी कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस दोनों में से जो लेस वैल्यू होगी उसको हमने रिकॉर्ड कर देना है इस कन्वेंशन इस, इस, को मैं सिंप्लीफाई कर कर आपको अगर समझाऊं तो आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि हमेशा नुकसान के लिए प्रिपेयर रहो ठीक है अगर आपको लगता है फ्यूचर में ये लॉसेस हो सकते हैं ये खर्चा हो सकते हैं तो उसकी प्रोविज़न हमेशा मेंटेन करके रखो लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको ये प्रॉफिट हो सकता है प्रॉफिट को आपने जो है वो उस प्रॉफिट के बेसिस पर आज खर्चा हमने नहीं कर लेना तो हम क्या कर रहे हैं द अकाउंटेंट शुड नॉट एंटीस्पेड फॉर इनकम शुड प्रोवाइड फॉर पॉसिबल लॉसेस हमने इनकम को इतना ज्यादा रिकोगशन नहीं देनी इनकम होगी जब एक्चुअल में होगी तब रिकॉर्ड करेंगे लेकिन अगर लॉसेस हैं अगर फ्यूचर में कोई खर्चा आ सकता है उसकी प्रोविजन आप मेंटेन करके रखिए हम बैड डेट की प्रोविजन तो मेंटेन करके रख लेते हैं लेकिन अगर मैंने सेल नहीं की तो उस सेल को हम कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते ठीक है आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ़ कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर सो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके डिसीजन के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है वो सारे चीज़ें आपने डिस्क्लोज करनी हैं अगर आपने कोई मेथड चेंज कर लिया है क्लोजिंग uh, स्टॉक का मेथड चेंज किया प्रोविजन आप कितनी मेंटेन कर रहे हैं लोन कहीं से लिया है कि नहीं आपकी कंटेंजेंट लाइबिलिटीज कंटेंजेंट लाइबिलिटीज होती हैं विच मे और मे नॉट अराइज इन द फ्यूचर तो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन वो सारी की सारी आपको क्या करनी है डिस्क्लोज़ करनी है अब ये कर, जो दो कन्वेंशंस uh, है ना ये एक दूसरे के थोड़ा एक्सेप्शन uh, है ठीक है uh, हमारा जो कन्वेंशन है डिफुल uh, डिस्कलोजर वो कहता है सब कुछ बताओ लेकिन